सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी न्यू जॉब अपडेट, जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान CCP की जॉब है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम टैलेंटेड सेल्फ मोटिवेटेड रिजल्ट ओरिएंटेड एंड एनर्जेटिक कैंडिडेट्स फ्रॉम अपॉइंटमेंट इनिशियली ऑन द 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द फॉलोइंग पोस्ट। 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बेस आपको दिया जाएगा फ्रेश एंड एनर्जेटिक कैंडिडेट्स को। पोस्ट है आपकी रिसर्च एनालिस्ट है, मास्टर या बैचलर किया हुआ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या पब्लिक पॉलिसी में या फिर स्टेटिस्टिक्स में या फिर इकोनॉमिक्स में या फिर लॉ में, इन सब सब्जेक्ट में आपने किसी एक में मास्टर या बैचलर किया हुआ हो। 32 ईयर एज लिमिट है। 5 ईयर का आपने एक्सपीरियंस किया हुआ हो मास्टर बेस पे। अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो आपका एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए, और अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो वो बैचलर में अप्लाई करने वाले का एक्सपीरियंस 7 साल का होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है इसकी। नेक्स्ट है आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर या मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव की बैचलर डिग्री हो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर स्टेटिस्टिक्स में या फिर इकोनॉमिक्स या फिर लॉ या फिर IT में, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। यहाँ तो 30 से 28 साल एज लिमिट होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस हो, और 5 नंबर ऑफ पोस्ट है। बाकी यहाँ ये प्रिफर्ड एक्सपीरियंस स्किल्स लिखी गई हैं कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स और भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपकी लॉ ऑफिसर है बैचलर या मास्टर किया हुआ हो लॉ में, 35 एज लिमिट है, 5 साल का एक्सपीरियंस हो, नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव है लॉ में बैचलर किया हुआ हो लॉ में, 28 साल एज लिमिट है, N/A में एक्सपीरियंस हो, एंड 2 नंबर ऑफ पोस्ट टोटल है। मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव है ग्राफिक डिज़ाइनर में बैचलर डिग्री हो फाइन आर्ट्स में या फिर डिज़ाइन में, 28 साल एज लिमिट है, एंड 1 नंबर ऑफ पोस्ट है। मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव क्रिएटिव राइटर है बैचलर किया हुआ हो मार्केटिंग में या फिर कम्युनिकेशन में या इंग्लिश लिटरेचर में, 28 साल एज लिमिट है और 1 नंबर ऑफ पोस्ट है। और ये बाकी स्किल्स लिखी गई हैं कि आपने क्या क्या स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। स्टोर इंचार्ज या फिर ऑफिस असिस्टेंट है बैचलर किया हुआ आर्ट्स में या फिर साइंस में या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर सोशल साइंस में, एज लिमिट 30 है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 नंबर ऑफ पोस्ट है। टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ लिखी गई है द एप्लीकेशन द कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड एज में भी मे अप्लाई फॉर द पोस्ट। Only shortlisted candidate will be called for test and interview. Only citizen of Pakistan and Azad Jammu Kashmir are eligible for appointment. वो सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तान के और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू बलोचिस्तान एंड दोज विद डिसबिलिटीज फॉर इनक्रेज टू अप्लाई एंड ये बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई है। अप्लाई करने का तरीका क्या है इसका, इंटरेस्टेड कैंडिडेट शेल पोस्ट जॉब एप्लीकेशन फ्रॉम अलोंग विद CV डिटेल अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एकेडमिक आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स की आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपकी कॉपी ऑफ CNIC 1 लेटेस्ट फोटोग्राफ विद इन 15 डेज ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ऑन बिलो मेंशन एड्रेस। जॉब एप्लीकेशन कैन बी डाउनलोड फ्रॉम cc.government.pk। सबसे पहले आपने क्या करना है कि वेबसाइट पर जाना है जो कि cc.government.pk इसकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाके आपने जॉब एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। वो फिल करने के बाद आपने अपनी CV आपकी अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपकी CNIC और लेटेस्ट 1 फोटोग्राफ ये सब कुछ आपने अटेस्टेड करवाना है, और साथ में जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया होगा वो फिल करने के बाद आपने सारा कुछ पोस्ट करवाना है। मेंशन एड्रेस आपको गिवन है असिस्टेंट डायरेक्टर HR कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 11th फ्लोर ISE टावर जिना एवेन्यू इस्लामाबाद, ये आपका एड्रेस है। इस एड्रेस पर आपने 15 दिन है आपके पास एडवर्टाइजमेंट की पब्लिश होने के बाद। आज ये जॉब एडवर्टाइज हो चुकी है, आज 23 दिसंबर 2022 है। आज के बाद खाली आपके पास 15 दिन है इसमें अप्लाई करने के, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन रिसीव नहीं की जाएगी 15 दिन के बाद। तो ये है आपकी न्यू जॉब कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Thank you.